कल हम लोग बोट लेके वहाँ पे गए थे, ये जो बड़ा पहाड़ है उसके बगल में एक पहाड़ दिख रहा होगा आपको छोटा सा यहाँ पे। तो जब कोई चीज़ अच्छा लगता है तो कभी है तो हम लोग निकले थे सुबह 9 बजे नहाने और अभी 12 बज गया और हम लोग को 12 बजे निकलना भी था। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहा है सुबह का 9 और अभी जस्ट नींद खुला है, तो पहले मैं सोचा था कि सुबह 7 बजे उठ जाऊंगा और थोड़ा सा घूमूंगा, लेकिन नींद ही नहीं खुला। इतना ज़्यादा हम लोग दिन में थक जा रहे हैं कि रात में एकदम बेड पे जाते ही नींद आ जा रहा है, और रात में पता नहीं क्यों ठंडा ज़्यादा लगने लगा था, तो इसलिए हम लोगों को स्वेटर पहनना पड़ा। ये था हमारा रिजॉर्ट और ये है समंदर, तो काफ़ी पास रह रहे थे हम लोग, और बुक करने वाला भी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा अच्छा था। कल हम लोग बोट लेके वहाँ पे गए थे, ये जो बड़ा पहाड़ है उसके बगल में एक पहाड़ दिख रहा होगा आपको छोटा सा, यहाँ पे एक आइलैंड टाइप का है, तो हम लोग इस पे नहीं यहाँ पे गए थे। ये ओए चली, क्या गली है, खेलते खेलते बालू खा ले रही है थोड़ी देर में। अभी तो जाना ही अच्छा लगता है, सबसे चिल्ला रही है कै कै कै। तो जब कोई चीज़ अच्छा लगता है तो कभी है किसका सूप है ना किटू किटू। तो हम लोग निकले थे सुबह 9 बजे नहाने और अभी 12 बज गया और हम लोग को 12 बजे निकलना भी था, अभी तक हम लोग निकले नहीं, तो अभी लंच करके निकलेंगे थोड़ी देर में। पानी बहुत ही गर्म था तो नहाने में मज़ा आ रहा था। गए थे किट्टू को नहलाने और खुद ही नहा के चले हैं। अब 3 घंटे फ्रेश होते हैं, नहाते हैं और फिर कुछ देर में निकलते हैं। अच्छा, आज मौसम भी बहुत गर्म है। अभी टाइम हो गया 12:03, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, और मेरा लेफ़्ट वाला कान इतना जाम हो गया है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो अभी हम लोग फाइनली नहा के रेडी हो चुके हैं और निकलेंगे थोड़ी देर में लंच करके। और हुआ क्या कि हमारा जो जुमकार का टाइमिंग था वो शाम में 4 बजे तक का ही सेलेक्ट हो गया था, तो उसको फिर 12 घंटा एक्सटेंड करना पड़ा, तो अब सुबह के 4 बजे तक कर लिया। तो अभी बज रहा है 12:30 और हो सके तो हम लोग 1 घंटे के अंदर खा के निकल जाएंगे। और मामा जी लोग सबको रेडी हो चुका है, टिंकू ब्रश कर रहा हो, ब्रश करना उसका बाकी रह गया था। तो अभी हमारा लंच कंप्लीट हो चुका है और टाइम हो गया 1:05, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, तो अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे। अभी सब कोई जा रहा है बस रेडी होने, और रेडी होकर हम लोग निकलेंगे, बस 15 मिनट में निकल जाएंगे। खा जाओ, बस खा जाना है, एकदम छोड़ना नहीं है। हूँ क्या आज खा जाओ, आज खा जाओ, आज खा जाओ, छोड़ी कुछ भी खा जाती है, कुछ भी खा जाती है। माला पहना दे, ला उधर माला पहना दे, टूडू नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है टूडू। तो अभी बज रहा है 12:30 और हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ से निकलते निकलते हम लोग को 2 बज जाएगा क्योंकि हमारा पार्किंग बहुत ही अंदर है। हम लोग 12 घंटे का टाइम लेके चल रहे हैं, तो आई थिंक 2 बजे सुबह तक हम लोग पहुँच जाएंगे बैंगलोर। बाय किटू, तुम ले जा रहे हो ड्राइव करके, हाँ ड्राइव कर रहे हो, खुद ही से स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट मत करना अभी। तो अभी ट्रिप मीटर है 2942 और टाइम हो रहा है 1:32 अकॉर्डिंग टू हमारे कार कंसोल, और हम लोग निकल रहे हैं, तो देखते हैं कब पहुंचते हैं और कितना मीटर कंसोल होता है। तो भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं जर्नी। जय माता दी।
ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ठीक है, ऐसे नहीं ठीक है। कार में चाबी अभी वहीं पे रहने दो, चलो 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 वापस पीछे से, पीछे जब जाना है। गोवा आने से पहले हम गाड़ी तो चलाए थे लेकिन माउंटेन एरिया में कभी नहीं चलाए थे, तो अब इसका भी एक्सपीरियंस हो गया। ये पता नहीं कौन सा माउंटेन है लेकिन बहुत दूर में है ये, अप्रॉक्स 30 से 40 किलोमीटर, तो हम लोग अभी माउंटेन ही जाना है, तो अभी इसका भी एक्सपीरियंस हो गया। व्यू बहुत ही तगड़ा है इसलिए गोवा पॉपुलर है। तो अभी हम लोग गोवा से बाहर आ चुके हैं, कर्नाटका में आ चुके हैं, लेकिन व्यू अप्रॉक्स सेम ही है दोनों का। बेटो गेम खेल रहे हो? तो अभी एम्बुलेंस आ रहा था इसलिए हम लोगों को रोक दिया था, जाम लगा दिया था। मेरे को लग रहा था कोई नेता आ रहा है तो मेरे को गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन एम्बुलेंस था तो अच्छा किया है, रोक दिया हम लोगों को। तो अभी मामा जी पीछे ही रह गए थे और हम लोग ज़्यादा आगे आ गए थे, तो एक जगह साइड में रोके हुए हैं, मामा जी का वेट कर रहे हैं। आई थिंक मामा जी अभी 4 किलोमीटर पीछे हैं और इसको खाना भी खिलाना है, सुबह से कुछ खाया नहीं है तो इसलिए हम लोग रुके हुए हैं। तो अभी हम लोग वापस निकल गए हैं, किट्टू को थोड़ा सा खाना खाना था, और अभी हो रहा है 3:30, तो फिर हम लोग अब थोड़ी देर बाद ही रुकेंगे। तो अभी हो रहा है 4:15 और हम लोग रुके हुए हैं, थोड़ा सा किट्टू को पानी पीना था और मामा जी भी हम लोग का वेट करते करते पीछे ही रुक गए थे, लेकिन हम उनको देखे नहीं, हम आगे निकल गए। तो मामा जी भी यहीं पे आ रहे हैं। बात करना है? किससे बात करना है? किससे? किट्टू से बात। किट्टू से बात करना है? तो तुम कौन हो? मैं कार से आ गया सुबह, रुकी हूं। मैं कार से आ गया हूं, मैं रुकी हूं। उसको लड़की होना था, लड़का हो गया पता नहीं कैसे। ठीक है ठीक है, काटो, आ रहा भी आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, काट दो। तो अभी बज रहा है 4:45 और हम लोग एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और उसके बाद निकलेंगे, और यहाँ से अप्रॉक्स 400 किलोमीटर बचा है, तो थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक, मामा जी आ रहे हैं आगे और फिर निकलते हैं। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एकदम भालू हो गई है। तो हम लोग एक छोटा सा रेस्ट लेके निकल गए, 10 मिनट के रुके थे, थोड़ा आइसक्रीम उसक्रीम खा लिए थे, और अभी हम लोग हुबली के आगे कहीं रुकेंगे। तो यहाँ से 400 किलोमीटर अप्रॉक्स बचा हुआ है, तो 100 या 150 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग फिर दोबारा रुकेंगे। ओए लड़की, क्या गली अकेले कार में है? क्या गली अकेले कार में है? क्या गली है? तो अभी हम लोग दूसरा स्टॉप लिए हैं और सोचे थोड़ा सा रेस्ट कर लें, और ये एक ढाबा टाइप का है जहाँ बहुत सारा ट्रक रुका हुआ है, और यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है 6:30 घंटे का, और अभी 6 बज रहा है, तो वहीं अप्रॉक्स 2 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे। थोड़ा सा हम लोग रिफ्रेश होकर फिर से निकलते हैं और फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट आएगा तो दिखाते हैं। अच्छा तो मामा जी निकल गए हैं और हम लोग भी निकल रहे हैं, फिर बाद में आपसे बातें करते हैं। शायद इसके बाद एक NH आ जाएगा थोड़ी देर के बाद, तो वहाँ से हम लोग जल्दी निकल जाएंगे और वहाँ से थोड़ा सा आराम भी रहेगा। इधर बहुत पतला रास्ता और चारों तरफ देखना पड़ रहा है। हम लोग सर्विस रोड से अभी NH पे जा रहे हैं और NH डायरेक्ट बेंगलोर जाता है, तो अभी शाम हो चुका है, अप्रॉक्स 6:30 या 7:15 हो गया है। तो ये वाला जो NH आपको सामने दिख रहा है, ये वाला NH सीधे अब बेंगलोर जाएगा। तो अभी हम लोग एक टोल पे रुके हुए हैं और अप्रॉक्स 2 से 3 मिनट हो गया, आगे गाड़ी लगा हुआ है, तो ऐसा रूल है ना कि अगर 1-2 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपका टोल फ्री हो जाता है। मेरा गाड़ी रहता तो मैं करा भी लेता, इसमें तो फ्री है जो हम कार वाले में। तो अभी हम लोग एक ढाबे पे रुके हुए हैं खाना खाने के लिए, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का ही खाएंगे। हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस,
आए नहीं गाइस। तो हम लोग का डिनर कंप्लीट हो चुका है और हम लोग हल्का फुल्का हैं, थोड़ा सा चाय पराठा और गोभी मंचूरियन ले लिए। तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से और शायद 4-5 घंटा लगेगा यहाँ से जाने में। ठंडी लग रही है, हाँ ठंडी लग रही है। किटू का चेहरा कहाँ, चेहरा नहीं दिख रहा है। इधर देखो ऐसे ऐसे तुम तो साड़ी पहने हुए हो लड़की, हाँ साड़ी पहने हुए हो। देखो तुम्हारा पल्लू गिरा, उठाओ। बज रहा है 4:10, 4:12 और अभी हम जस्ट पहुँचे हैं। तो अभी जाके बस सो जाएंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या अच्छा नहीं लगा, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।